हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शंघाई सहयोग संगठन, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है की जो बैठक है 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर था। आप सभी आंसर करें, आंसर करें आप सभी। इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी दुस्माने में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसकी डिटेल समझते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले। ये रही, देखो जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हाल ही में तजकिस्तान की जो राजधानी है दुस्माने शहर में आयोजित की गई। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने जो SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है से आतंकवाद के वित्तीय पोषण को रोकने का आग्रह किया। इस बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री भी शामिल हुए। इनमें से अफगानिस्तान की जो स्थिति के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार पर चर्चा की गई। ये देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को आपने समझा। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, ये लिया था एस जयशंकर, भारत के जो वित्त मंत्री हैं। और इस बैठक का आयोजन हुआ था जो तजकिस्तान की जो राजधानी है दुस्माने वहाँ पर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौते ज्ञान पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। आप सभी आंसर करें। देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौते ज्ञान को मंजूरी दी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इटली के साथ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्था नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल ये किस राज्य में स्थित है। आंसर करें आप सभी, जो नेफम है वो किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में, जो केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया। आप बताओ किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया। आंसर करें आप सभी। देखो आज एक क्वेश्चन पूछा था एक वाइने की, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। जो रविशंकर प्रसाद हैं ये भारत के वित्त मंत्री हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जो रमेश पोखरियाल है भारत के वर्तमान में कौन से मंत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो केंद्रीय जो मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल जो महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वित्त और कपड़ा सहित कई मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हैं। ये नोट कर लेना आप, जो पीयूष गोयल के पास कौन कौन से मंत्रालय, वाणिज्यिक और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा सहित कई मंत्रालय। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस यांत्रिक एजेंसी ने हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरी लंबी अवधि का सफल होड टेस्ट किया। आप सभी आंसर करें, कौन सी जो यांत्रिक एजेंसी है उसने लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का जो तीसरी लंबी अवधि का सफल होड टेस्ट किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसरो। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, गौतम अडानी के अडानी समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया है। आंसर करें आप सभी और इम्पोर्टेंट लगा लें। देखो हम बार बार बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लें। गौतम अडानी के अडानी समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे।
का अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड 19 टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है? आप सभी आंसर करें। देखो आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हो। पेड ग्रुप की कीमत आपको क्या करना है, मात्र एक गौशाला में 100 रुपये की पर्ची कटवानी है और हरियाणा के लिए ये ग्रुप स्पेशल है। हम आपसे वादा करते हैं आपकी जॉब सुनिश्चित करवाएंगे इस ग्रुप के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किसने हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधक के एप्लीकेशन की शुरुआत की है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? आप सभी आंसर करें। जो दिल्ली में सभी बसों का टाइम टेबल आपको कौन सी कंपनी के माध्यम से बताया जाएगा, जैसे गूगल पे बताया जाएगा या ट्विटर पे बताया जाएगा या फेसबुक पे पता चलेगा, यह कौन सी कंपनी के साथ भागीदारी की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गूगल के साथ। अब आप दिल्ली के लिए कोई भी दो स्टेशन, जैसे कोई जा रहा है कि पालम से कैंट के बीच में जाना है, कौन सी बस किस टाइम पे आएगी, ये सब आप गूगल पे देख सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए? देखो जो स्किल इंडिया है इसके कितने वर्ष पूरे हो गए, आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देखो अब कुछ वन लाइनर है, जैसे ये रहा मडू ओटी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया, ये कर दिया बनारस। दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए पैनल फॉर्म में एक अनावरण है, ये है सिंगापुर में। AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, कोल्लम केरल की है AFC। अब देखो ये और भी हैं, AI अधिकारी विश्लेषण ऐप CP ग्राम्स को लॉन्च किया, ये क्या राजनाथ सिंह ने, आप नोट करते रहना। मुंबई जो हवाई अड्डे के जो प्रबंधक का कार्यभार संभालेगी, ये अडानी ग्रुप संभालेगा, अभी करा था। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश है ये UAE। और जो 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने, ये बाबर आजम। इन्होंने 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने, ये बाबर आजम बने। और किस देश ने शुरू किया दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण, ये चीन ने किया है। क्वेश्चन ये रहा, रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी ने किया। केंद्रीय सूची में OBC के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख है, ये है जी रोहिणी। ये भी आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब कुछ स्टैटिक जीके करते हैं हम। क्वेश्चन ये रहा रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसकी एक जातीय समूह है, आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, म्यांमार की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माय लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है, आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जूलियस रिबेरो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्र ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 24 तिल्लियां हैं। देखो क्वेश्चन ये रहा, यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है, आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, प्लेटो को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 1963-53 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। आंसर करें आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित। आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में और पेड ग्रुप में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो वाटरगेट घोटाले से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़े हैं। आप सभी आंसर करें, क्वेश्चन एकदम नया है। जो वाटरगेट घोटाले से कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति जुड़ा था, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली जो महिला का नाम क्या है। आंसर करिए आप सभी, जो अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्चना रामसुंदरम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कॉफी पोर्ट के नाम से कौन सा जगह जानी जाती है। देखो ये क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी, कॉफी पोर्ट के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है। आंसर करिए आप सभी, कॉफी पोर्ट के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सैंटोस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो ये तो दिखाई दे दिया इसका आंसर, जो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है ये तो 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, आज आपको बड़ा इमानबाड़ा की सैर करवाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको। बड़ा इमानबाड़ा है ये है लखनऊ के अंदर। बात ये सबको पता है कि बड़ा इमानबाड़ा लखनऊ में, बट देखो ये रहा इसकी डिटेल। जो बड़ा इमानबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। कभी पूछ ले भूल भुलैया।